जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद कॉलेज जाना शुरू किए, लेकिन जब भी हम स्कूल या कॉलेज जाते थे तो हम लोग इस बात पे चर्चा करते थे कि भाई तुमने क्या पढ़ाई किया है। हम ये देखते थे कि कौन सा हमारा दोस्त टिफिन में क्या लेकर के आया है, अर्थात लंच बॉक्स में क्या है, हमें लंच बॉक्स में क्या मिला हुआ। एक दूसरे का टिफिन शेयर किया करते थे, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि भाई तुमने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, या मैं तो तुमसे पीछे रह गया, या फिर अगर हम आगे हो जाते थे, भाई मेरा इतना कंप्लीट, तुम्हारा इतना ही रह गया, ये सब हम किया करते थे। लेकिन आज क्या चल रहा है, जब मैं न्यूज देख रहा था तो मैंने देखा कि इस समय कर्नाटक में हिजाब वर्सेज भगवा चल रहा है, तो ये समझ में नहीं आया कि इस देश के युवा कहां जा रहे हैं। 21वीं सदी चल रहा है, इस समय इस बात पे चर्चा हो रही है कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है, और हमारा देश जिसे हम कहते हैं कि सबसे युवा देश है, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे देश के युवा किसके लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ये सही है, क्या एक देश के विकास के लिए धर्म के लिए लड़ना कितना सही है, आप खुद सोचिए इसके बारे में, फिर बताइएगा। लेकिन हम देखेंगे कि पूरा मामला क्या चल रहा है, और इस हम मामले को समझने के लिए हम तीन स्टेज को फॉलो करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इस मामले का बैकग्राउंड क्या है, अर्थात ये मामला शुरू कैसे हुआ था, क्या क्या इसमें घटनाएं घटित हुई। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, अर्थात हमारे संविधान में इस मामले के बारे में क्या कुछ लिखा है, और लिखा है तो किस हद तक लिखा है, ये देखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो मामला चल रहा है, इतना ऐसे में गहमा गहमी चल रही है, इसकी वजह से विदेशों में हमारे बारे में क्या बात हो रही है, अर्थात जो भारत की छवि है, जो पिछले कुछ वर्षों से भारत की छवि बहुत अच्छी होती जा रही थी फॉरेन में, अब उसकी छवि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस मुद्दे के लेकर के, पाकिस्तान ने क्या बोला है, अमेरिका ने क्या बोला है, गल्फ कंट्रीज ने क्या बोला है, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। तो देखिए, मुद्दा में क्या था कि कर्नाटक में दिसंबर 2021 के आसपास की बात है, उस समय क्या हुआ कि एक स्कूल जो कि कर्नाटक के एक शहर में है, वहां पे कुछ छात्राओं को स्कूल ने ये कहकर के प्रवेश करने से मना कर दिया कि आप स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि आपने हिजाब पहना हुआ है। ये जो मामला था बस एक स्कूल का मामला था, लेकिन जो आज इस समय देख रहे हैं कितना ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो हुआ क्या, जब स्कूल ने मना किया तो जो छात्राएं थी उन्होंने विरोध किया, फिर उसके बाद जैसे उसके आसपास के अन्य शहरों में पता चला, अन्य जगहों पर पता चला, तो वहां के भी जो छात्राएं थी, मुस्लिम छात्राएं थी, उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में हिजाब पहन करके आए और हंगामा करना शुरू किए। इसको देख करके जब हिंदू जो छात्राएं थी और छात्र थे, वो क्या किए, वे भगवा वस्त्र धारण किए और कॉलेज परिसर में प्रवेश करना शुरू किए। अभी ये सब मामला चल ही रहा था तब तक जो शेड्यूल कास्ट है वो हिजाब के समर्थन में उतर गया मार्केट में, वो बोला कि हम क्यों पीछे रहने दें, हम भी मार्केट में आएंगे। वो जब मार्केट में आए तो नीले कलर का वस्त्र धारण किए और इसके समर्थन में आ गए। ये मामला चल रहा था, उसके बाद ये मामला इतना तुल पकड़ा कि केवल इस देश का मुद्दा ना बनकर के एक वैश्विक मुद्दा बन गया, जिसके बारे में विश्व में अन्य देशों ने कई बातें बोली है। तो ये सारा मामला चल रहा था, तो स्कूल ने अपना पक्ष क्या रखा, स्कूल ने ये कहकर के मना किया कि जो हिजाब है या फिर भगवा है, ये हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, और हमारी जो यूनिफॉर्म है वो क्या है, जो हमने ड्रेस लगाया हुआ है, और जो ड्रेस हम यूनिफॉर्म लगाए हुए केवल आपको वही पहन करके आना है, उसके अलावा कुछ और आप पहन करके आते हैं तो क्या होगा, आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। फिर काफी बड़ी मात्रा में विरोध शुरू हुआ। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको देखा तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर बैन लगा दिया, अर्थात हिजाब पे बैन किया, और उसके साथ उसने ये बोला कि कोई भी ऐसा वस्त्र जो किसी भी धार्मिक परंपरा को प्रदर्शित करता हो वो वस्त्र स्कूल में पहन करके आना मना है। जब ये बात हो गई, उसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया क्या किया कि 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया, और ये मामला 31 दिसंबर का ये सब मामला हुआ था। तो जब कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया, उसके बाद ये मामला चला गया सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो ये सब हमने देखा पूरा मामला क्या था। अब हम देखते हैं कि इसके संविधान में, हमारे संविधान में क्या बोला गया है। तो हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि महिलाएं या छात्राएं ये बोल रही हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो मौलिक अधिकार क्या है, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, अर्थात मौलिक अधिकार का है 12 से 35 तक, और उसमें जो एक भाग है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 है। तो अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 25 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, स्वतंत्रता रूप से क्या कर सकता है,
अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, इस पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। तो इसी मौलिक अधिकार का मुद्दा लेकर क्या हुआ, मामला काफी बहस में छिड़ गया है। तो देखते क्या है कि ये जो हमारा हिजाब का मामला इस समय चल रहा है, क्या पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी कुछ हुआ है, और यदि इससे पहले कभी इसका मुद्दा उठा है तो हमारे कोर्ट ने क्या बोला है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे वहां जो भी चीज होता है संविधान के अनुसार होता है, और अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है, उस पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ जाती है, तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में बात करता है। तो देखते हैं कि इससे पहले कुछ हुआ था नहीं हुआ था। तो इससे पहले एक बार केरल में हुआ था, सीबीएसई को लेकर के एक मामला हुआ था, जब सीबीएसई ने पीएमटी का पेपर लेना था, तो पीएमटी से पेपर से पहले एक उसने नोटिस निकाला, और नोटिस पे उसने ये बोला कि जो भी छात्र और छात्राएं पेपर देने आएंगे वो हाफ स्लीव का ड्रेस पहन करके आएंगे, वो पुरुष हो या फिर महिला हो। तो ये मामला चल रहा था, लेकिन इसी मामले को लेकर के जो मुस्लिम छात्राएं थी और जो मुस्लिम समुदाय था वो चला गया था केरल हाईकोर्ट में। तो क्या है केरल हाईकोर्ट का पूरा मामला, आइए देखते हैं। तो क्या हुआ था केरल हाईकोर्ट में, जब सीबीएसई का मामला गया, तो वो जो मामला था आपका वो था आमना बशीर बनाम सीबीएसई। तो जो आमना बशीर बनाम सीबीएसई था उसमें पहली बार हिजाब को लेकर के हाईकोर्ट ने क्या बोला था इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें बात क्या हुई थी, हाईकोर्ट में जब ये गई थी आमना बशीर और कुछ अन्य जो संगठन थे वो जब गए थे वहां पे, तो उन्होंने इस बात का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने बोला कि चूंकि जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम छात्राएं हैं, उनको हिजाब पहनना बुरका पहनना अनिवार्य है, तो इस वजह से उनको हिजाब और बुरका पहनने से सीबीएसई नहीं रोक सकती, वरना पीएमटी का पेपर वो नहीं देंगे। तो ये सब मामला था। तो क्या हुआ, जब हाईकोर्ट में गया केरल हाईकोर्ट में, तो केरल हाईकोर्ट में इस बात पे चर्चा की गई। तो इस बात पे चर्चा की गई कि क्या हिजाब पहनना किसी धर्म के अंदर संवैधानिक रूप से जरूरी है, अर्थात क्या संवैधानिक रूप से जरूरी है हिजाब पहनना, यदि नहीं होता तो फिर कोर्ट क्या करता, मना कर देता। तो क्या हुआ, केरल कोर्ट ने बोला कि जो इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है, ठीक है, उस ग्रंथ को पढ़ा जाए और देखा जाए ग्रंथ में क्या कहता है, यदि ग्रंथ में इस बारे में कुछ लिखा होगा तो माना जाएगा। तो जब इनका जो ग्रंथ है कुरान है, जब उसको पढ़ा गया, तो कुरान में ये निकल के आया कि महिलाओं को शरीर दिखाना क्या है, प्रतिबाधित है, और इस कारण उनको क्या करना है, जो ड्रेस पहनना है लॉन्ग स्लीव ड्रेस और सिर को ढकना क्या है, अनिवार्य है। और इस वजह से ये पता चलता है कि सिर को ढकना अनिवार्य है और पूरी तरह से उनको पूरे अपने शरीर को ढकना अनिवार्य है, यानी कि उनको बुर्का पहनना और हिजाब पहनना क्या है, अनिवार्य है। तो बुर्का पहना हिजाब पहनना अनिवार्य है, तो कोर्ट ने क्या किया, बोल दिया कि हाँ हिजाब पहनना तो अनिवार्य है, अर्थात संवैधानिक रूप से है ये बात। तो हम पहले देखते हैं कि हिजाब क्या होता है और बुर्का क्या होता है, क्योंकि हिजाब और बुर्का को मैक्सिमम लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग है। तो हिजाब क्या होता है, हिजाब की बात करते हैं हम, तो हिजाब आपका होता है जो मुस्लिम महिलाएं आप देखते हैं कि जो पूरे अपने केवल सर को ढकी रहती है, अर्थात सर को ढकने के लिए जिस स्कार्फ का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हिजाब कहते हैं। और अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए जिस काले वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, बुर्का होता है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो मामला हिजाब को लेकर के हुआ है। तो हुआ क्या, जब इसने अनिवार्य कर दिया केरल हाईकोर्ट ने, तो जो अन्य छात्र और छात्राएं थी वो क्या की, इसका विरोध कर दिया। उन्होंने बोला कि ये कौन सी बात हुई, एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि आप कोई भी कपड़ा ऐसा पहनकर नहीं आ सकते जिससे चेकिंग करने में प्रॉब्लम हो, यहां तक कि आप हमसे शूज निकलवा दे रहे हैं, स्लीपर पहनने को आप कह रहे हैं, घड़ी निकलवा दिए, बेल्ट निकलवा दिए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप पूरा फुल कपड़े पहन करके आ सकती हैं, तो ये तो हमारे साथ दोहरा हुआ ना। तो इस मामले में केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला, तब उसने हाईकोर्ट ने ये बोला कि यदि जो भी हिजाब पहनकर या बुर्का पहनकर जिनको आना अनिवार्य है, यदि वो आना चाहती है तो आ सकती है, लेकिन उनके एग्जाम में जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है उससे आधे घंटे पहले आना पड़ेगा, और जब आधे घंटे पहले आएंगे तो जिससे होगा क्या कि जो महिला निरीक्षक है उनकी अच्छे से चेकिंग कर लेंगी और उसके बाद अंदर जाने देंगी, जिससे उनको काफी टाइम मिल जाएगा उनको अच्छी तरह से चेकिंग करने का, और जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो महिला निरीक्षक के सामने अपना बुर्का हटा भी सकती हैं। तो ये मामला था, यानी कि वहां पे अनिवार्य कर दिया था, और यदि उसको देखे तो उसके अकॉर्डिंग तो जो हो रहे संवैधानिक है। लेकिन हुआ क्या, केरल का एक और मामला आया साल 2018 में, जब साल 2018 में जो केरला का मामला आया उसमें केरल हाईकोर्ट ने जो अपनी पुरानी 2016 में जो बात बोली थी उसी का खंडन कर दिया और उसमें कुछ और बोला। तो उसमें क्या बोला उसको देखते हैं। 2018 मामला आया था, ये था फातिमा तस्मीन बनाम केरल सरकार। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें देखते हैं। इसमें हुआ क्या था, वहां पे केरला में कुछ मुस्लिम लड़कियों को एक क्रिश्चियन स्कूल के द्वारा ये कह के बाहर कर दिया गया कि ये हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है।
तो ये मामला फिर चला गया हाईकोर्ट में 2018 में, और जब ये मामला 2018 में गया तो जो 2016 में केरला ने बोला था कि अनिवार्य है और संवैधानिक है, इस मामले को क्या किया गया, पलट दिया गया। और इसमें केरल सरकार ने क्या बोला, इसमें सरकार ने ये बोला था कि यदि कभी भी अगर किसी व्यक्तिगत अधिकार और संस्था के अधिकार में अगर कभी भी दोनों में टकराव होता है तो संस्था के अधिकार को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, और किसी व्यक्तिगत मौलिक अधिकार को वरीयता नहीं दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे मना किया गया है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये जो मामला था अब यहाँ पे थोड़ा सा इससे अलग हटके है, क्योंकि जो ये मामला था, ये जिस स्कूल ने मना किया था ये खुद एक माइनॉरिटी था, लेकिन यहाँ पे जो केरल में हुआ है एक सरकारी कॉलेज है और सरकारी कॉलेज के द्वारा मना किया गया है, तो मामला इससे थोड़ा सा हट करके है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है ये भी देखते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 2016 में जिसमें एक मुस्लिम एयरमैन थे उनको क्या किया गया था, दाढ़ी रखने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सशस्त्र बल अधिनियम 1964 के तहत क्या है, बाल बढ़ाना नहीं है, अर्थात जो भी एयरमैन होंगे वो बाल बढ़ा के नहीं रह सकते तो इसके तहत, और दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते तो इसके तहत क्या हुआ, जो एयरमैन थे मुस्लिम एयरमैन उनको दाढ़ी वहां से काटनी पड़ी। तो ये देखे तो उसने भी क्या किया, मना कर दिया। लेकिन ये मामला जो है इसमें हिजाब को लेकर के, तो हिजाब को लेकर के क्या होगा इसके बारे में देखना पड़ेगा। हाँ, तो हमने दोनों केस देखे कि केरला 2016 का केस क्या था, 18 का केस क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ये सब मामला है। लेकिन जब मैंने अभी बताया आपको कि जो केरल का जो स्कूल का मामला था वो एक प्राइवेट स्कूल था और यहाँ पे जो स्कूल है सरकारी स्कूल है, तो फिर जो वहां की गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया, कैसे किया, किस अधिकार के तहत किया, हमें इसके बारे में देखना होगा। तो हम देखते हैं क्या, यदि हम अनुच्छेद 25 को ध्यान से देखें तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। तो क्या है, तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है वो हमारे लिए कहां तक सही है, अर्थात हम किस हद तक अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कह दे कि हमें गाना सुनने का अधिकार है, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमने मान लिया। अब किसी के कान के पास जाकर के खूब बहुत तेज आवाज में लगे गाना सुनने, चिल्लाने उसके पास, तो क्या वहां पे आपका मौलिक अधिकार है कि नहीं है। आप कहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है, अब जाकर के किसी को गाली देना शुरू कर दें, तो क्या वो जो आपका अधिकार है आपका मौलिक अधिकार है। आप एक हमने तो बोल ही रहे थे लेकिन किस भाषा में बोल रहे थे भी तो आपको देखना है ना। तो मौलिक अधिकार कहां तक सही है हमारे लिए ये भी देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे जहां पे मौलिक अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 12 से 35 तक, वहां पे ये भी बताया गया है कि आपके लिए मौलिक अधिकार कहां तक सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले सरकार ने अपना क्या क्या पक्ष दिया है। तो सरकार किस पक्ष के आधार पर बोली है, सरकार ने पहला बोला है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत क्या बोला गया है कि कॉलेज विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस ही अपनाना चाहिए, अर्थात जो कॉलेज या स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसी को पहन करके आना है, उसके अलावा कोई और यूनिफॉर्म पहन करके नहीं आना है। इसके अलावा क्या हुआ है, इसमें से हिजाब पहनने पर बोला क्या है कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध अगर लगाया जा रहा है तो किसी भी धर्म के मानने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है ये। ठीक है, फिर और क्या बोला है कि समानता, अखंडता, लोक व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में प्रतिबंध जायज है, क्योंकि मैंने अभी आपको मामला बताया था केरल 2018 का मामला, उसने बोला था कि यदि सामूहिक संस्था और किसी व्यक्तिगत मौलिक अधिकार की बात की जाएगी तो जो सामूहिक संस्था के अधिकार होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। और इस मामले को लेकर के केरल ने क्या किया, वो इस कर्नाटक स्कूल ने क्या किया, हाईकोर्ट में चला गया और उसको बैन लगा दिया, जिसके तहत 3 दिन के लिए स्कूल बंद हो गए। जो मामला हाईकोर्ट में चला गया है, लेकिन हाईकोर्ट तब ये ज्यादा मामला और ज्यादा बढ़ गया जब हाईकोर्ट में जो जज सुनवाई कर रहे थे वो क्या किए, बड़ी बेंच के पास इस मामले को ट्रांसफर कर दिए, तब ये मामला और ज्यादा बिगड़ गया। तो क्या, यदि आप अनुच्छेद 25 को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, उसमें कुछ बातें समझ में आती है। उसमें है कि धार्मिक स्वतंत्रता तभी तक लागू है जब तक लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित नहीं होता है, अर्थात जब तक कानून जो है, कानून का जो नियम है प्रभावित नहीं होता है। यदि ऐसा धर्म की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, जब तक मामला केवल एक स्कूल का था, हिजाब पे था, तब तक कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जब हिंदू जो भगवा वस्त्र धारण करके आ गए तब ये था कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर जो था वो बिगड़ने लगा, और इस आधार पे क्या हुआ, वहां पे मामला चला गया कर्नाटक में। आप देखिए जो कोर्ट में मामला गया है इस पे आपको कुछ चीज देखनी पड़ेगा आगे क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है, हो सकता है कि सरकार इस पे कानून ला दे,
और इसको पूरी तरह से बैन कर दे, और सीधे सरकार ये बोल सकती है कि ऐसे किसी भी वस्त्र को कॉलेज में या किसी सामूहिक स्थिति में पहनना अनिवार्य नहीं पहन सकते जहां पर उसकी वजह से विरोध हो सकता हो। जैसे कि स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पे देखें कि हिजाब पे बैन किया गया, हिजाब पे हंगामा हुआ, फिर क्या हुआ, भगवा वस्त्र भी बीच में आ गया। तो ये सब जो धार्मिकता को दर्शाता है ना, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, जिससे कि ये सरकार बैन कर सकती है, इस पर नियम ला सकती है। अब हम देखते हैं कि इस पे विदेशी मीडिया ने क्या बोला है और अन्य जो फॉरेन कंट्री उन्होंने क्या बोला है। तो इस पे जो सबसे पहली बार बोला, वो बोला कौन, जो हमारा सबसे प्रिय दोस्त है, पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान को चुल मची रहती है कि भारत में कुछ भी हो और हम बोले, क्योंकि वो हमेशा अपने मामले को नहीं देखता लेकिन हमारे मामले को जरूर देखेगा। जैसे कि अगर हम बात करें चाइना में उइगर मुसलमान के साथ कितना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को पता है लेकिन आज तक कभी नहीं बोला। वहां पे महिलाओं को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, वहां के पुरुषों के साथ बद से बदतर स्थिति हुई है, लेकिन ना तो पाकिस्तान बोला ना ही अमेरिका बोला, किसी भी देश को बोलने को उस पर कोई वो नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मामला एक राज्य के एक स्कूल का है, लेकिन गल्फ कंट्री के एक अखबार है अल अजीजिया करके, उसने क्या बोला कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। अब सोचिए, छोटे से एक कॉलेज के द्वारा बैन किया गया, उसने पूरा क्या बोला कि पूरे भारत ने ही बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ बोला वहां पे, उसमें भी एक यूसुफ मलाला जो है, जो काफी पाकिस्तान में कंडीशन क्या हुई थी, वो तो अपना देश छोड़कर भाग गई और फिर यहाँ पे आके भी बोल रही है। तो ऐसे बहुत सारी बातें बोलने सुनने में आ रहा है, सभी देश अपनी अपनी बात रख रही है। तो इसकी वजह से क्या है कि भारत का जो विदेशों में जो प्रभाव जो बहुत अच्छा जा रहा था, वो धीरे धीरे उसकी छवि अब खराब होने लगी है, जो कि सही नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि आप इस समय के जो युवा है उसको पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक धर्म की भाषा बोलना चाहिए। क्योंकि अभी तक यही हो रहा था कि जो राजनीति है, धर्म की राजनीति है, इस वजह से यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जब युवा ही धर्म की बातें करना शुरू करे तब कहां तक ये जायज है। धर्म है, सही है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता वहीं तक सही है जहां तक किसी दूसरे को उससे प्रॉब्लम ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो। यानी लॉ एंड ऑर्डर पर कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं सही है। अब खैर, अब देखते हैं कि हमारे जो हमारा संविधान है क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बारे में क्या बोलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बारे में बोलेंगे वही हमारे लिए सही होगा। अब देखते हैं मामला गया कोर्ट में, कोर्ट यदि कुछ इसके बारे में बोलती है तो फिर मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। वैसे आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मामले में, आपके क्या राय है, आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल सकते हैं। धन्यवाद।